साल नहीं करेगा तुम कुर्बानी। अबे करेगा ना, हम बात बढ़ा लेगा यार। कोडू भी ले आया कराची में, दफा हर तरह का माल आ गया है कर रहे हैं। और भाई मक्खियों ने यहाँ पे जलगार करी हुई है, पता नहीं क्या। और ये है भाई वो मशहूर जमाना शेंगरीला ब्लॉक, जहाँ पे फर्स्ट ट्रक आया था, और वो वहाँ सामने जो है वो। और ये जो है भाई, ये है सिंध ब्लॉक, जहाँ से मैंने अपना बछड़ा परचेज किया था। ये है भाई बकरा मंडी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज ईद का तीसरा दिन है और एक लास्ट वीडियो जो है वो मैं बनाने के लिए आ गया हूँ, नॉर्दर्न बाईपास मंडी सीज़न 2023 की। और स्टिल अभी तक जो है वो कुछ माल खड़ा हुआ है यहाँ पे, सारा छोटा माल है। इस जगह मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में जो मंडी में दाखिल हुआ हूँ, तो पहला यहीं पर मुझे माल नज़र आया है। और कुछ माल आगे भी है, वो भी बाइक पर आगे जाके दिखाएँगे। सामने जो है VIP ब्लॉक है, यहाँ सब कुछ खाली हो चुका है, सिर्फ छपड़े लगे हुए हैं। अभी आपको एक अंदर का वहाँ पर टूर करा देंगे। तो बस ये सीज़न था भाई 2023 का, जो अब तकरीबन इख्तिताम पजीर हुआ है। और ये जो है वो इस सीज़न की, इस मंडी की लास्ट वीडियो होगी। तो बस कुछ बातें थी, मैंने सोचा कि मंडी में आके आप लोगों से कर लेंगे। और सीज़न आप लोगों को कैसा लगा ये लाइव स्टॉक एक्सपो चैनल पे, लाजमी आप कमेंट्स में बताइएगा। बाकी कोशिश हमारी पूरी थी कि भाई अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट और मैक्सिमम जो है वो कंटेंट आपको दे सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, करम है कि अल्लाह ताला ने हिम्मत और हौसला दिया और ये कंटेंट हम बना सके और आप लोगों ने पसंद किया। तो अभी बस चलते हैं ज़रा मंडी में और ज़रा देखते हैं भाई कहाँ का कितना माल खड़ा हुआ, व्यापारी मांग क्या रहे हैं, और जो ब्लॉक्स खाली हो चुके हैं उनकी क्या पोजीशन है। एक कोशिश करूँगा बकरा मंडी और ऊट मंडी का भी विज़िट करूँ, ताकि जो कैमल लवर्स हैं और जो गोल्ड लवर्स हैं उनको भी एक अपडेट मिल जाए। तो चलें दोस्तों मंडी को कवर करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई स्टिल जो है वो ख़रीदार यहाँ पे मौजूद है और व्यापारी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये व्यापारी हैं भाई, दिखा रहे हैं जानवरों के साथ। ज़्यादातर जो है वो सारा काटू टाइप का माल है ये, और लोग जो है वो कुर्बानी के लिए ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। दो दांत, दो दांत है ये, दो दांत है, खीरा है, खीरा है भाई। लोग दो दांत तलाश कर रहे हैं और भाई मक्खियों ने यहाँ पे जलगार करी हुई है, पता नहीं क्या बनाया। वो देखे भाई मक्खियाँ इतनी है कि वो जानवर ही परेशान हो रहे हैं, कहाँ से आ गई इतनी मक्खियाँ। ये सब छोटा माल है, ये समझ लें कि काटू टाइप का माल है ये। और यहाँ पे एक बछड़ी के पूछे थे पहले, 90,000 रुपये मांग रहा था काली के, इसके 90 मांग रहा था ना, इसके 90,000 मांग रहा था व्यापारी। पता नहीं दांतों में कितनी है, दो है चार है। व्यापारी कहाँ है इसका, ये है ना, ये दो है दांत में, दो है ये, चार है। इसकी क्या है डिमांड, 90,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं भाई, दो दांत है। और भाई कितनी मक्खियों से जानवर परेशान हो रहे हैं बेचारे। तो बाकी जो है इसमें बड़े बड़े जानवर हैं, कुछ खीरे हैं, एक बछड़ी ये देख रहे थे, इसके दांत समझ में नहीं आ रहे, दांत टूटे हुए। तो ज़रा आगे चलते हैं भाई, वहाँ देखते हैं भाई, वो आगे वहाँ पर भी माल खड़ा हुआ है, उसको चेक करते हैं भाई। यहाँ पे जो है वो कुछ दिन पहले पूरा है जो है वो एक शहर आबाद था, हर तरह की फैसिलिटी थी यहाँ पे, जानवर भी थे। अब जानवर तो खैर इक्का दुक्का रह गए, यहाँ कुछ खड़ा हुआ है माल भाई, कुछ कलर वाली बछड़ियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ कदरे ख़रीदार कम है। यहाँ देखते हैं भाई क्या पोजीशन है, ये भी छोटा छोटा भाई काटू माल है सारा। ये बछड़ी देखते हैं भाई, ये दो दांत है साथ, दो दांत है, क्या पैसे हैं मुनासिब देने वाले, बताओ पैसे क्या पैसे हैं भाई। यार सही पैसे मांगो साथ, जो अब जो मंडी में जो वो है हिसाब किताब उस हिसाब से मांगो। 40 में बनेगा, 40 65,000 ये बोल रहा है, तुम कहाँ कुर्बानी करेगा साल नहीं करेगा तुम कुर्बानी। अबे करेगा ना, हम बात बढ़ा लेगा यार, वो 65 लगा के जा रहे हैं और नहीं लगा रहे आप पैसे, 65 से ऊपर की नहीं आपके हिसाब से भाई, 65 लगाए हुए वो व्यापारी नहीं मान रहा, चला गया मुझ 65 लगा के बैठे हैं ये, देख तो लो है बछड़ी खूबसूरत वैसे है ना भाई, कितने में देना है। लो भाई कोडू भी मिल गया है यहाँ पे मंडी में, कोडू को भी चेक करो, कमर से आधा झुका हुआ आधा सही है, आधा झुका हुआ आधा सही है, पीछे से कमर से झुका हुआ है। तुम कोडू भी ले आए कराची में, दफा हर तरह का माल आ गया है आखिर में, जो खड़ा हुआ था जिसके बाद बोले थे ले आओ भाई कराची ले आओ, अब ख़त्म हो जाएगा, बिक गया। चलो भाई ये पूछ लो यार, यहाँ भी खड़ी हुई है बछड़ा है ये मुइस, ये दो दांत है, क्या मुनासिब बताना पैसे,
ये 90 का है। तो क्या यार 90-90 मांग रहे हो तुम उस्ताद। और वो परले वाले के ये लाख का पूरा। तुम तो वो पुराने वाले रेट मांग रहे हो, जब मंडी में भी इतने रेट नहीं थे उससे भी ज़्यादा मांग रहे हो। क्या है, डेढ़ डेढ़ मन भी नहीं है यार ये। है मंडी तेज चल रहा है, इसका मतलब है खरीदार है भाई, रेट लगा लगा के जा रहे हैं। वो इस क्या करें यार, बनेगा नहीं बनेगा। ये कितनी है दांतों में? खीरी है, खीरी है, दो दांत है। खबर नहीं लेना यार, एक जानवर लेना है तो भाई देने वाले। नहीं नहीं लेने वाले हैं हम लोग लेने। अब टीवी वाले यार अब इस टाइम पे थोड़ी आएंगे, लेना था तो हमने कहा चलो वीडियो भी बना ले, समझ रहे हैं बात को। को मुनासिब बताओ देने लेने वाला। ये आपके लिए होगी भाई 50,000 की। अबे नहीं यार, आप बोल दे, कोई आ रही है समझ में? बस 40 ले लो। नहीं होगा भाई 40। तो कितना होगा फिर? चलो जल्दी जल्दी फाइनल बता दो यार, बात को लंबी नहीं करते। आपके लिए 75,000। अबे 75 भी ऊपर है उस्ताद, 45 ले लो बस। चलो बिस्मिल्लाह करो। है सही है 45? या और कुछ समझ आ रहा है? लो बाबा 45 कर लो बस, हमने बिल्कुल फाइनल डेट फाइनल कर दिया अपना। नहीं होएगा, चलो चलो अभी 45 लगा दिए, इसके दे नहीं रही। तो भाई ये पोजीशन है भाई, इस माल पे भी इतने ख़रीदार हैं। यहाँ पे देखें भाई पब्लिक आ रही है, स्टिल लोग आ रहे हैं भाई, तो ज़रा हौसले में है व्यापारी, जब भी अपने रेटों से नीचे नहीं आ रहे। तो भाई ये आप देख सकते हैं भाई, सब कुछ यहाँ से जो है वो खाली हो चुका है। ये एक एंट्रेंस थी, ये भी सब ख़त्म हो चुकी है भाई। कोई एक छपड़ा बस वहाँ पीछे लगा हुआ है, कुछ छपड़े यहाँ लगे हुए, पीछे से जो है वो सामान जा रहा है, और आगे कुछ भी नहीं है भाई। ज़रा यहाँ चलते हैं, आपको VIP की पोजीशन दिखा देते हैं, इस रोड पे ले लो। तो ये भाई दोस्तों VIP सफायर ब्लॉक में हम लोग एंटर हो रहे हैं, और कुछ भी नहीं है भाई, सब सन्नाटे हैं। बस वो के छपड़े लगे हुए दो चार जगहों पर, सब जगह जो है वो सन्नाटे ही सन्नाटे हैं। ये देखें भाई क्या यहाँ पर रौनक हुआ करती थी, और बस वो छपड़े लगे हुए कुछ, वो सामने छपड़े लगे हुए कुछ, वहाँ पे एक छपड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ छपड़े लगे हुए, तो बिल्कुल सन्नाटे हैं भाई VIP ब्लॉक में। तो ये है दोस्तों VIP गोल्डन ब्लॉक, और यहाँ पे भी भाई आप देख सकते हैं छपड़े जो है वो बस तीन चार जगह छपड़े लगे हुए हैं, बाकी सब सन्नाटे हैं। और ये है भाई वो मशहूर ज़माना शेंगरीला ब्लॉक, जहाँ पे फर्स्ट ट्रक आया था, और वो वहाँ सामने जो है वो फर्स्ट ट्रक अनलोड हुआ था। और आप इसकी कंडीशन देखें भाई, बिल्कुल सन्नाटे चल रहे हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली बिल्कुल इस जगह पे जो है वो फर्स्ट ट्रक अनलोड हुआ था, और वहाँ से बछड़ा भागा था भाई, पूरा घूमता घुमाता यहाँ से होता हुआ गया था। क्या दिन थे भाई वो भी, क्या दिन थे, यहाँ फर्स्ट ट्रक अनलोड हुआ था भाई। बाकी ये चायल के बराबर वाली पट्टी, यहाँ पे भी सारा माल उतरा था। सीधा आगे जाके जो है वो KP के ब्लॉक में मिलता है। और ये है दोस्तों सामने हमारे KP के ब्लॉक, बिल्कुल सन्नाटे हैं भाई, कुछ भी नहीं है। और ये वो ब्लॉक था जनरल ब्लॉक जो सबसे ज़्यादा चला है 2023 मंडी का, और ये सब यहाँ पे जो है माल खड़ा हुआ था। ये कुरैशी पट्टी थी, ये सारी कुरैशी पट्टी थी, और वो सामने जो आपको गेट नज़र आ रहा है वो जो है वो कराची ब्लॉक था, वो सबसे आखिर में जनरल ब्लॉक बना है। और ये जो है भाई ये है सिंध ब्लॉक, जहाँ से मैंने अपना बछड़ा परचेज़ किया था। सब खाली, सिंध ब्लॉक तो खैर पहले से ही खाली हो गया था, सबसे पहले यही ब्लॉक खाली हुआ था। और वो देखें भाई पीछे खुरलियाँ वगैरह पड़ी हैं, सारी खुरलियाँ एक जगह जमा हुई हुई हैं। यहाँ से जो है वो पंजाब ब्लॉक स्टार्ट हो गया था। ये देखें भाई ये पंजाब ब्लॉक के मनाजिर हैं, बिल्कुल सन्नाटे, कुछ कुछ जगह छपड़े लगे हुए, और भाई सबसे बड़ा ब्लॉक यही था, बहुत बड़ा ब्लॉक था ये, सब जगह सन्नाटे हैं। ये ऊट मंडी थी, ये ऊट मंडी का गेट था, गेट बंद है डेफिनेटली, अब ज़ाहिर है ऊँट भी नहीं होंगे यहाँ पर। और ये जो है वो बकरा मंडी थी, ये जो दीवार है ये बकरा मंडी की दीवार है, और ये सारा जो है वो पंजाब ब्लॉक है। ये है भाई बकरा मंडी के मनाजिर, सब खाली हो चुका है भाई, छपड़े वपड़े जो है वो कुछ लगे हैं, वो बाकी उतारे जा रहे हैं।
और कुछ भी नहीं है, बकरे वगैरह भी नहीं है, ऊँट भी नहीं है। और यहाँ पे जो है ना, दूसरे ब्लॉक से भी मैंने आपको विजिट करा दिया है, कहीं पे भी कोई माल नहीं खड़ा हुआ। ईद के तीसरे दिन सिर्फ जो आपको शुरू में दिखाया था वही माल खड़ा हुआ है। अब भाई दोबारा जो है सामने से रोड कनेक्ट हो रही है, तो उसी रोड पे चलते हैं दोबारा। चले भाई, अब हम दोबारा मेन रोड पे आ गए और ये समझ लें कि मंडी यहाँ पे ख़त्म हो रही थी और यहाँ पे भी माल खड़ा हुआ था, सब पीछे तक माल उतरा था। और इसी के बिल्कुल सामने जो है ये पंजाब ब्लॉक था, तो सब जगह सन्नाटे हैं भाई, कुछ नहीं है। एक एक दो दो जगह पर छपड़े लगे हुए नज़र आ रहे हैं, बाकी भाई एक शावल चल रहा है, सफाई का काम भी चल रहा है यहाँ पे। ये पोजीशन है भाई, सब जो है वो मंडी खाली हो चुकी है भाई। बस भाई घूम फिर गया, वहीं पर ही आ गए जहाँ से स्टार्ट लिया था। और भाई यही है, बस दो जगह पे जानवर टोटल मंडी में खड़े हुए। तो चले भाई दोस्तों, ये था 2023 मंडी का जो है वो आखिरी विज़िट। और भाई मंडी की पूरी पोजीशन आप लोगों को दिखा दी ईद के तीसरे दिन, बस दो जगह माल खड़ा हुआ है और अभी भी जो है व्यापारी बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। उसकी वजह ये है कि भाई माल कुछ भी नहीं है और ख़रीदार स्टिल अभी भी आ रहे हैं लोग लेने के लिए। तो बहरहाल एक जानवर के हमने पैसे लगाए थे, 50 तक हमने लगाए थे, डेढ़ मन का जानवर था, डेढ़ मन भी नहीं होगा मैक्सिमम, उसके से ज़्यादा क्या लगाएं। बहरहाल व्यापारी 75 पे आया था। तो भाई ये पोजीशन थी, अब ये सीज़न था आप लोगों के सामने। अब आप लोग फैसला करें कि भाई आप लोगों को कैसा लगा ये सीज़न लाइव स्टॉक एक्सपो चैनल पे। बाकी ये कि 2024 में इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी दोबारा आएँ एक नए जज्बे के साथ। बाकी इस अरसे के लिए भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों की जो सपोर्ट होती है, आप लोगों की दुआएँ जो होती है, इससे भाई बड़ी मोटिवेशन होती है। बस ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि दिल नहीं चाहता, थके हुए होते हैं मंडी आने का, बट ये कि आपके कमेंट्स सुन के ना एक एनर्जी सी आ जाती है और फिर दोबारा मंडी की तरफ आते हैं और बस अपना शौक़ भी पूरा करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं मंडी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सीज़न पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।